प्याज की कीमतों में लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। दीपावली के बाद बाजारों में प्याज की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया। सोमवार को इंदौर के बाजारों में भी प्याज 40 रुपए प्रति किलो तक बिका। थोक मंडी में बेस्ट क्वालिटी प्याज के दाम 2400 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। दरअसल थोक मंडी में एक ही दिन में 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आ गई, जबकि मंडी में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। लोगों में फिर से प्याज की महंगाई के सिर उठाने का डर दिखाई दे रहा है। हालांकि व्यापारी कह रहे हैं कि प्याज की कीमतें बेकाबू होने की आशंका फिलहाल नहीं है। वहीं खरेची के बाजारों में एक ही दिन में प्याज के दाम 8 से 10 रुपए किलो तक बढ़ गए। आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में अच्छी किस्म का प्याज शनिवार को 19 से 20 रुपए किलो के दाम पर बिका, तो वहीं सोमवार को भाव 23 से 24 रुपए किलो के दाम पर बिकता हुआ दिखाई दिया। दरअसल थोक मंडी में प्याज की आवक शनिवार के मुकाबले लगभग दोगुनी देखने को मिली। थोक मंडी के कारोबारियों का कहना है कि देश भर के प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्रों, चाहे वो दक्षिण भारत हो या फिर महाराष्ट्र, फिलहाल उनके पास प्याज का स्टॉक नहीं है। सिर्फ मालवा और निमाड़ के किसानों के पास प्याज का अच्छा स्टॉक है। ऐसे में देश में तमाम बाजारों में सप्लाई का केंद्र इंदौर बन चुका है। मांग के कारण आवक बढ़ने के बावजूद दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में थोक मंडी दाम पर खरेची बाजारों में प्याज बिकने लगा है। दरअसल दाम बढ़ाने के पीछे कुछ व्यापारी राजस्थान और महाराष्ट्र में प्याज की नई फसल के खराब होने का हवाला दे रहे हैं। देर तक चले बरसात के दौर के कारण प्याज की फसल को नुकसान बताया गया है। हालांकि इंदौर के व्यापारी इससे सहमत नहीं हैं। थोक मंडियों में आलू प्याज व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि 2021-22 सत्र में देश में प्याज का उत्पादन 31.7 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया है कि इस बार 1.94 मिलियन हेक्टेयर में प्याज की बुआई हुई है। अभी दीपावली की छुट्टियां थी, ऐसे में पुराना स्टॉक खत्म हो गया। कई मंडियों में छठ की छुट्टियां अभी भी चल रही हैं। उपभोक्ताओं की मांग निकली तो उम्मीद की जा रही है कि ऐसे में दामों में उछाल आ सकता है। अगले 10 दिनों में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में नई फसल के प्याज भी आने लग जाएंगे। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दामों में कुछ गिरावट बन सकती है, लिहाजा संभावना नहीं दिख रही कि प्याज के दाम महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।